तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा ई स्पोर्ट्स की न्यूज़ सबसे पहले देने के लिए, तो इस न्यूज़ चैनल पे आप लोगों को सबसे पहले सारी ई स्पोर्ट्स अपडेट मिल जाएंगी। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है हेडीज को लेकर, जहाँ पे वो बात करते हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, जहाँ पे वो ये चीज़ बताते हैं कि हमारे को एक बिडिंग वॉर देखने को मिलने वाली है। काफी एक्सक्लूसिव चीज़ों को वो रिवील करते हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपडेट। सो आई थिंक वी हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड दिस वीक। सो देखो कुछ चीज़ें हैं, एनडीए है, मैं तुमको नेक्स्ट मंथ बता सकता हूँ बिकॉज उस पर बहुत सारे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है। अभी लीक नहीं कर सकता मैं बिकॉज वो सब बैक एंड में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, बड़े बड़े और सब इन्वॉल्व है उस पर। सो इट्स समथिंग, तुमको हिंट दे सकता हूँ, समथिंग लाइक अ बिडिंग वॉर टाइप है अभी, एंड वी आर ट्राइंग, ठीक है, एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी स्टूपिड एंड डू समथिंग वर्स बिकॉज गॉड लाइक का पूरा रेपुटेशन कैरी करेंगे हम लोग। वर्स सिनारियो, वी माइट स्किप स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रादर देन हैविंग सम शिट शो। तो वी जस्ट वर्किंग ऑन दैट गाइस। मैं तुमको प्रॉपर अभी अपडेट, देखो लाइव पे तो नहीं बता सकता चीज़ें, बट जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से यू नो आई डिडंट गिव एनी अपडेट ऑन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। सो या दिस वाज इट। एंड आप लोग भी देख सकते हैं जो हेडीज है वो अभी लाइव है, मैंने उनको फीचर कर दिया। तो यार इसी स्पीड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, तो ई स्पोर्ट्स की न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। एंड इसके बाद कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक फीमेल क्रिएटर थी जो कि वैलोरेंट खेलती थी, एंड वहाँ पर वो प्रमोट कर रही थी अपनी लाइव स्ट्रीम पर पॉर्न एंड सेक्सुअल स्टफ को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद बात करें हम एक जर्नलिस्ट के बारे में जो कि दीपिका नारायण भारद्वाज, उन्होंने इससे रिलेटेड एक एक्शन लिया है जहाँ पे उन्होंने ट्वीट करते हुए ये चीज़ लिखी। उनको एक वुमेन के बारे में पता लगा जिनका असली नाम है शिक्षा मैट्रे, साथ में उन्होंने ये चीज़ बताया गाजियाबाद की रहने वाली है, एनआईएफटी से पास आउट है। उन्होंने अपने सारे सोशल मीडियाज को डिलीट कर दिया है, एंड अगर आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आप लोगों को उनके कुछ रीसेंट पोस्ट वहां पे देखने को मिल जाएंगे। साथ में उन्होंने ये चीज रिवील करी कि वो आदित्य बिरला ग्रुप में पहले काम करती थी, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि उनकी डिटेल्स वो उनको दे क्योंकि वो पुलिस में होनी चाहिए, कि उनने काफी सारी गलत चीजें करी हैं। एंड इसके साथ में जिसने ट्वीट करा था उनसे भी वो रिक्वेस्ट करती है कि वो सारे जो भी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करें, तो वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को वन लो गॉड लाइक, साथ में घातक भाई को ले लो एज अ कोच गॉड लाइक में, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। रॉबिन एज अ कोच, सेंसी एज अ आईजीएल। देखो प्लेयर को लिस्ट करके जाओगे ना, ऐसा 10 प्लेयर है जहाँ पे आ सकते हैं, एंड अपने जो प्लेयर्स है वो 10 टीम में जा सकते हैं, ठीक है। अभी एक दूसरे को कंपेयर करने कोई पॉइंट नहीं है गाइस, तुम समझ रहे हो। एंड ऐसा कि नहीं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा सा दिमाग यूज करो गाइस, ऑन गोइंग टूर्नामेंट पे कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो तुम लोग कोई डिस्कशन करके कोई पॉइंट ही नहीं है। हेडिस, डोंट यू थिंक द बीजीएमआई टीम नीड्स वन कोच? आई ऑल्सो थिंक सो ब्रो, बट एज आई सेड यू, ऑन गोइंग टूर्नामेंट पे वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस, एंड जो कोच के बारे में आप बता रहे हो वो ऑलरेडी डिस्कशन चालू हुआ है, अमर भाई सब वो सब फॉलो अप प्लेयर है, डोंट वरी। इंटरनेशनल कोच, देखो इंडिया में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अपना लाइनअप को कोच कर सकता है, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट गाइज, बिकॉज इन लोग को सब बेसिक पता है एवरीथिंग, मतलब इनको सब पता है बट दे नीड मोर इन्फो। सो मोस्ट प्रोबेबली कोच ले तो इंटरनेशनल ही लेंगे। इट इज बाय घातक भाई, किधर है घातक भाई? इज बिजी इन हिज ओन वेंचर, उनका खुद का ट्राइडेंट इफ यू गाइस डोंट नो, एंड उनका आई थिंक दे हैव क्लोथिंग ब्रांड ऑल्सो रिज बोल के, इट्स ऑल्सो गुड वन, यू आर गाइस हैव टू चेक इट आउट। आई डोंट थिंक घातक भाई इज ऑल्सो गोना कम बैक एज अ कोच एनी टाइम सुने, मतलब आई डोंट थिंक ही इज गोना कोच ब्रो, बिकॉज ही हैज लेफ्ट, ही हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम इट एंड इज डूइंग गुड, ही हैज हिज ओन वेंचर। मे बी एट सम पॉइंट घातक भाई कैन लाइक टेक अंडरडॉग टीम, मेंटर देम एंड देन पुट इन टू द लाइक लीग और समथिंग, बट आई डोंट थिंक वो एज अ कोच आएंगे बिकॉज यू नो वो भी अभी थोड़ा बिजी है बिजनेस पे। गाइस एक स्टेज होता है, एक स्टेज हम लोग क्रॉस करने के बाद यू कैन नॉट जस्ट कम बैक टू दैट। एंड इसके बाद काफी लोग ये चीज बोल रहे थे कि जो हेक्टर है उनको सीजी में खेलना चाहिए, उनके अंदर काफी पोटेंशियल है, उनको बेंच नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर जो ओमेगा है उन्होंने पहले भी ये चीज रिवील करी है कि यार किसी एक प्लेयर को तो बैठना ही पड़ेगा क्योंकि 4 लोग ही खेल सकते हैं। लेकिन आज इसके ऊपर जो इनसेन रन है उन्होंने भी रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। इनसेन भाई, हेक्टर जैसा प्लेयर बेंच्ड क्यों है? अगर हेक्टर खेलता तो कार्निवल भी फाइनल्स में होती। सोल बाबा यार, देखो आपके हमारे लिए ना एज एन आउटसाइडर इट ऑलवेज बिकम्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट सच थिंग्स कि हेक्टर खेलता ये वो, बट आप सोचो ना यार, क्या कार्निवल गेमिंग हारना चाहती थी? क्या कार्निवल गेमिंग ने जानबूझ के नहीं खिलाया हेक्टर को कि भाई तू खेलेगा तो? ऐसा कुछ नहीं है, आप सोचो, दे ऑल्सो वॉन्ट टू विन, दे ऑल्सो आर देयर टू विन, दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट इन टू द ग्रैंड फाइनल विदाउट एनी हिकअप्स। सो उनको जो सूटेबल लगा उन्होंने वो चीज़ की। देखो आपके हमारे लिए बहुत इजी होता है सोल बाबा कहना कि इस टीम को ये करना चाहिए, इस आईजीएल को ये करना चाहिए, ये रोटेशन वो फलाना दिमाग का जो भी चीज़ें होती हैं, बट
देखो यार, गेम के अंदर जो भी प्लेयर्स होते हैं ना, मैनेजमेंट होती है, वो सारे के सारे ना बहुत प्यार से डिसीजन लेते हैं, सबकी आपसी सहमति से वो डिसीजन लेते हैं। सो उनको जो बेस्ट लगता है वो करते हैं, एंड हमसे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वो अपनी टीम के बारे में सोच रहे हैं। सो यू एंड आई, एवरीबडी हैज़ टू रियलाइज दैट। हम लोग को उस बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ठीक है, आपका कहना भी अपनी जगह ठीक है, बड़ा वो हो गया। एंड इसके बाद जो हेडीज है वो बात करते हैं फ्री फायर से रिलेटेड, जहाँ पे वो उसके कमबैक से रिलेटेड भी बात करते हैं, उन्हें क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आई माइट एक्चुअली स्टार्ट फ्री फायर वॉच पार्टी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अभी समझदार वाले समझ जाओ, ओके? एंड जो भी फ्री फायर वाले वेकेशन पे है, इट्स टाइम फॉर यू टू कम बैक बिकॉज समथिंग इज गोना बी बैक वेरी सून गाइस, लाइक वेरी सून। अब मैं डेट बोलूंगा वो कुछ पोस्टपोन हो गया था, तुम लोग भर दोगे, बट या इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू कम बैक, ग्राइंड एंड या लेकिन हम तो बीजे में वाले, तुम लोग के लिए और मजेदार चीज है बट नॉट ऑन दिस स्ट्रीम। बट या फ्री फायर बॉयज, टाइम टू कम बैक। एंड एंड इसके बाद जो सिड भाई उनसे काफी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर ऑक्शन होते हैं इंडिया के ई स्पोर्ट्स में, तो हमारे को कौन सा प्लेयर जो है वो सबसे महंगा बिकता हुआ दिखाई देगा, तो इस पे उनने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। फिर भाई वो वाली गेम की स्टैंडिंग सेम रहेगी या रीसेट? सेम रहेगी, अभी तक बंद कहाँ किया है मैंने वो गेम, सेम है। इफ एनी ऑक्शन इन इंडिया व्हिच प्लेयर कैन बी हाईएस्ट बिडिंग? बट इस बीच आप देखिए, हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी वो निकल तो चुके हैं, जीटी के प्लेयर्स वो आपको सामने दिख रहे हैं, पर अगर एचएच इस आई तरीके से थिंक ऊपर ही रुकने वाली तो फिर रिस्क रहेगा। चलिए स्मोक्स हैं, स्मोक्स का इस्तेमाल करते स्मोक से सारे बच सकते हैं, बट पीछे ही तो हिटमैन बैठे हैं। आई हिटमैन के थिंक पास एक बहुत तगड़ा मौका, वो क्रॉस आई डोंट नो हाईएस्ट किस पे जा सकती है, बट आई थिंक एम जो लॉक हुआ है वो हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर, ट्रिबल्स का एक काफी अच्छा इस्तेमाल आपको मान्य। एचएच के खिलाड़ी आई फील फॉर श्योर विल बी के हाथ ही जानी है, वन ऑफ द हाईएस्ट। पीछे आप देखिए सर्कल के थ्रू आ रहा एनिगमा के आई खिलाड़ी, थिंक उनको भी बहुत तंग मान्या किया विल बी इन दैट लिस्ट वो फॉर भी। आप श्योर देखिए तो एनिगमा के ऊपर कुछ चैट भी एग्री कर रही है, हुई बट एफएस कोई के पास मेरे उसने खुद का ओपिनियन दे रहा हूं, आई थिंक मौका है, मान्या टीम विल पे बी इन दैट अपने आएंगे लिस्ट। जो नॉकआउट है बने आई थिंक विजार्ड के पास चांस कि वो रिवाइव निंजा कर विल सके, बी इन दैट लिस्ट और हिटमैन जो आगे क्योंकि अगर बैठे आप हैं आईपीएल टाइप का चीज बना रहे को हो निकाल रहे कोई हैं, लाइनअप मोक्स की नीड हिटमैन को भी करेंगे नीड। मोक्स व्हाट आर यू तो मेरे हिसाब से मान्या निंजा, प्लेयर जो मोक्स को तंग कर रहा है मोक्स उसे तंग सोचने करने दो दिखे मेरे को, थे मेरे को लगता है फाइनली मोक्ष ऊपर एक नीड आफ्टर आ गई कि एवरीथिंग दैट मावी खेला हैज रहा, डन, मावी माइट बट अब आल्सो क्या बी हाई अप इन सीरियस दैट अगर मोक्ष लिस्ट को बचाते हैं तो मोक्ष वापस से अपने एज अ राउंड रूम में आने वाले कंटेंडर। हैं। देखिए कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं सर, अभी यहाँ से हटने का कोई दूसरा आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बेस्ड नहीं ऑन है, तो करंट सिर्फ फॉर्म सिर्फ उसी ऑल्सो, जगह पे स्टिक आई एम करेंगे नॉट क्योंकि जस्ट देख ही टॉकिंग गया अबाउट वर्कआउट्स लिस्ट, में ठीक मुझे है लगा कोई थ्रो मेरे साथ बॉल और डिसएग्री अगर कर सकता कुछ है, बट मैं थोड़ा इस सा पे आप करंट फील फॉर्म इन के सोल्ड आउट साथ ऑप्शन में भी रहोगे बात तो कर रहा आराम हूँ, से आप एचएच को करंट खरीद फॉर्म सकते के हैं। बारे में भी बात हिटमैन कर को रहा भी हूँ, अवेल और उसके बाद नॉट शायद जस्ट एक्सलाइन पास्ट अगर की बात किया ही जाए नहीं तो कर रहा मैं, क्योंकि करंट रिस्क फॉर्म की लाइन भी अगर बात कर किसी रहा भी हूँ। रोल को खतरा दूसरी ओर से मेरे को मतलब लगता है आरजे के मान्या दूसरी ओर से निंजा इंटरफेयर मावी करके प्लेज भी अब एस्पावर एपिस के कुड प्लेज बी को इन तंग दैट करते लिस्ट, जाने वाले और मे वॉकआउट्स को बी इसके कुड बारे बी में इन दैट अंदाजा है, लिस्ट, तो मुझे लग रहा है कि वॉकआउट्स को फिलहाल के लिए फोकस यहाँ पर गुजरात टाइगर्स के ऊपर करना चाहिए क्योंकि आप क्योंकि लोग और भी ऑक्शन की ऐसी बात कर टीम रहे हो, है जो हाईएस्ट फिलहाल दो प्लेयर का सर्वाइव कर रही पैसे है, की मैं बात नॉट कर रहे श्योर हो, तो क्या वो ऑक्शन टीम में तुम जब एक्चुअल बात करते प्लेस हो है, तो इट इज नॉट, अगर जब अच्छा पैराबॉय प्लेस है के तो फिर हिसाब तीसरा से हम तरीके लोग का अगर लगेगा बात ना, कर रहे और हैं एचएच का तो बचपना इट इज थोड़ा नॉट सा जस्ट एक बिकॉज ही वॉज पोस्ट प्लेइंग सिस्टम सो से वेल पहले बट भी बिकॉज ऑफ इनकी ऑल्सो लोकेशन बिकॉज ऑफ हिज पूरी तरह ब्रांड से वैल्यू, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी तो सिद्धार्थ दोनों चीजें हम लोग को थोड़ी सी देखनी पीछे पड़ेंगी। से आई एक फील लाइक खिलाड़ी निंजा चार्ट में 14 खिलाड़ी निंजा हैज आपको दैट इनके ब्रांड बचे वैल्यू, देखेंगे जरूर से, निंजा हिटमैन बॉय गेज भी बहुत ज्यादा कम हो और चुकी है, बाकी लोग टीम ये तो बीस्ट हो काफी गए फोर्स से या एग्जॉस्टेड है नहीं, और और बैंडेज कौन है भी जी में से, बाकी ज्यादा सब वीक ना प्लेयर्स तो को हो मैं जाए लिस्ट में पड़ेगा, नहीं बट डाल रहा हूँ चार्जेस क्योंकि हैं वो लोग अभी बिकॉज तक यहाँ पे ब्रांड इंडिया के वैल्यू मल्टीपल वाइज वो प्लेयर्स लेवल बड़े पे आए मौकों पे नहीं नजर है, रू सके जो लेवल पे वो एचपीएल भी लोग रिकवर किया होपफुली सके आगे अपना एक दो रॉस्टर, साल में मुझे जाएंगे, उनकी भी आपको एलिमिनेशन दिखी, अब टॉप चार टीम ब्रांड हमारे वैल्यू सामने की है, बात टीम कर रहा हूँ हेक्टर मैं। है, जीटी है, वॉकआउट्स और एफएस की राइट, स्क्वाड दिखी जहां पे टीम इंडिया इसके लिए टाइटल मैंने स्ट्रगल मान्या में कर रहे हैं, मावी सर्कल की वजह से रिको उनके निंजा ये आपको तीन सिलेक्शन लोग चार्ट के पकड़े ऊपर, हेक्टर सामने आपको इन देखेंगे, टर्म्स हिटमैन ऑफ ट्राइंग टू करंट चेंज द फॉर्म पोजीशंस, क्या उन्हें आई हेक्टर की थिंक। पोजीशन का एक अंदाजा है। एंड इसके बाद जो सिड भाई उनसे किसी ने चैट में ये चीज बोली थी कि जो फिफ्थ प्लेयर है उसका टैलेंट वेस्ट होता है क्योंकि वो टीम में नहीं खेल पाता है, तो वहां पे उन्होंने इससे रिलेटेड बात करी, जहां पे उन्होंने जोकर से रिलेटेड भी बात करी, तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आ रहे थे पहले कुछ दिन डोंट यू पहले थिंक जी, जिस टीम में जीटी फिफ्थ है, प्लेयर होता है जीटी उसकी को स्किल्स शायद वेस्ट टाइप होती उनकी है थोड़ी क्योंकि सी वो दूरी खेल पड़ी नहीं है पाते दूसरों से इवेंट्स टीम में। का मिलाज, मीत उनके भाई लिए देखो फोर्ड यार, आर अगर एक किसी टीम को है, लगता है यहाँ उनके पे लिए उसके फोर्ड स्किल्स आर वेस्ट हो रहे हैं रिसोर्स उसको ऑफ नहीं रहना, हाईएस्ट तो ही प्लेयर्स इन पार्ट ऑब्वियसली ऑफ इज हाईएस्ट फ्री टू गो कोशिश एनीवेयर कीजिए वी कि वांट, आप टाइम जबरदस्ती ट्वेंटी किसी स्पॉट को को निकालने फिफ्थ का प्लेयर बना के रखते नहीं है, राइट? टीम तो कमला से आई थिंक खिलाड़ी एज अ मौका एनी प्लेयर के पास गया, उसके आराम से ऊपर होना टीम के चाहिए ऊपर वॉट ही नीड्स परमिशन टू निकाली डू, जाए, वॉट ही यहाँ वॉन्ट्स पे टू डू, दिक्कत यह ही है ना कि नोज देखिए वॉट अगर इज आप थोड़ा सा डूइंग, भी ओवर एक्सटेंड आवर करेंगे कोच मैच सीरीज एनालिस्ट दे और नो मैच वॉट की दे वी प्रॉपर आर अवेलेबिलिटी डूइंग, फिर भगत सिंह आवर टीम की बेंच तरफ से स्ट्रेंथ और हाउ आप वी अकेले नीडेड, खिलाड़ी हैं, चलिए और भी राइट? स्पॉट भी कर लिया गया, तो हो वो सकता मेरे है इधर ऊपर तो नहीं स्कोर है, किया फर्स्ट, भले आप पॉप इन कर ले, ठीक है? भले आप एक बार जबरदस्ती रिकॉर्ड तो के अंदर आ जाए,
मैंने उसको हथकड़िया से तो यहाँ पे रखा नहीं है यहाँ पे प्लेयर को. He's been with the team I think since the start, right? जबरदस्त तो नहीं रखा है, कुछ तो सोच समझ के रखा हुआ है, वो भी कुछ सोच समझ के बैठा हुआ है यहाँ पे, राइट? प्रैक्टिस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो जो है सो है यार, I think they're smart enough to take decisions for themselves. अब हेयर ग्रो क्यों नहीं करते? तो बस गाइस यार, अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी. डागी कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना.